नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और मेरा यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं घर बैठे बैठे SBI का इंटरनेट बैंकिंग में कैसे रजिस्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बारे में कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आप गूगल खोल लीजिए, उसमें लिखिए ऑनलाइन SBI, और जो ये ऑनलाइन SBI www.onlinesbi.com है, इसमें क्लिक कर दीजिए। फिर पर्सनल बैंकिंग में जाके लॉगिन में क्लिक कर दीजिए, और ये एक न्यू विंडो खुल दिया, लॉगिन कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका यूजर आईडी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक है, इसमें क्लिक कर दीजिए, और एक फॉर्म सा खोल गया यहाँ पे आपका। इसमें आपने अकाउंट नंबर डाल दीजिए आपका। मैं आपको एक डेमो दे रहा है इसलिए मैं अपना अकाउंट नंबर नहीं डाला। CIF नंबर डाल दीजिए इसमें, और फिर आपका बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिलेक्ट कर लीजिए। ब्रांच कोड डाल दीजिए जो 5 डिजिट का होते हैं, और सामने अगर आपका 3 डिजिट या 2 डिजिट का होता है, सामने 2 या 3 0 लगा दीजिए। फिर आपका कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका कंट्री जहाँ से हो आप, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया का ही सिलेक्ट करूँगा। फिर आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो कोर बैंकिंग के साथ आपका अकाउंट के साथ लिंक है। फिर आप में फुल ट्रांजेक्शन राइट में क्लिक कर दीजिए, या तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट, जैसे आपको जो चाहिए वो क्लिक कर दीजिए। फिर ये कैप्चा जो है इसमें डाल दीजिए। सबमिट में क्लिक कर दीजिए आखिर में। फिर आपका मोबाइल नंबर में एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, इसमें आप वन टाइम पासवर्ड को डाल दीजिए और कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। ये अब ये पूछ रहा है आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, और आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली। ये कह रहे हैं अगर आपने आपके पास ATM है तो आप ब्रांच जाके एक्टिवेशन करना नहीं पड़ेगा, ATM से यहीं पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे पास ATM है, इसलिए हम पहले वाला जो ऑप्शन है आई हैव माई ATM कार्ड, इसको सिलेक्ट करके हम सबमिट में क्लिक कर देंगे। ये है ये 2 ऑप्शन आपको जो आपका है चॉइस, वो सबमिट में क्लिक कर दीजिए सिलेक्ट करके। फिर ये सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे 1 रुपया का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा आपका ATM जो डेबिट कार्ड है उससे, इसलिए कार्ड नंबर इसमें डाल दीजिए। और जो आपका वैलिडिटी एक्सपायरी है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, वैलिडिटी डेट, मिस्ट्री कार्ड हो तो वैलिडिटी डेट, बाकी ये तो एक्सपायरी डेट है जैसे वीजा कार्ड है। आपका नाम डाल दीजिए इसमें, और ATM पिन डाल दीजिए, और जो ये कैप्चा है ये कैरेक्टर्स है इस घर में डाल दीजिए, और लास्ट में सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक कर देते ये न्यू पेज में रिडायरेक्ट कर लेगा। और इसमें देखिए आपको यहाँ पे टेम्पोररी यूजर नेम फॉर योर इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे टेम्पोररी यूजर नेम
यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और आपको यहाँ पे कह रहा है एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म न्यू लॉगिन, न्यू लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा एक बार कंफर्म, दो एक ही पासवर्ड को दो बार डालना पड़ेगा। तो हम इसमें डाल देते हैं अपना मनपसंद पासवर्ड। ध्यान रखिए पासवर्ड डालने में एक अक्षर में, एक अंक में और एक स्पेशल करेक्टर जैसे स्टार द एट द रेट ये सब होना जरूरी है, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रेंथ अच्छा बनता है, स्ट्रांग बनता है। तो इसमें दोनों कंफर्म पासवर्ड डाल के सबमिट कर दीजिए, क्लिक कर दिया बस। इसमें कह रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यूज टेम्पोरेरी यूजर नेम सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू SMS। अभी ऑलरेडी हम स्क्रीन में भी देख लिया था जो यूजर आईडी टेम्पोरेरी यूजर आईडी है और आपका मोबाइल में भी ये भेज देगा, इसलिए हम उसको लेके SBI का इंटरनेट बैंकिंग पेज में जाके यूजर आईडी वो डालेंगे जो टेम्पोरेरी यूजर आईडी हमारे को मिला है, और पासवर्ड जो हम अभी बना लिया उसको डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। अभी चलते हैं हम गूगल में और ऑनलाइन SBI का ये जो पहला पेज है इसमें आप जो यूजर आईडी बनाया था वो डाल देते हैं और पासवर्ड जो हमने बनाया था उसको यहाँ पे डाल देते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं यूजर नेम जो है आपने टेम्पोरेरी था उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो एक आपका मनपसंद यूजर नेम बना लीजिए ताकि आप आगे जाके इससे लॉगिन हो सकते हैं। फिर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अब ये कह रहा है आपका पासवर्ड भी आप चेंज कर लीजिए, अभी नया पासवर्ड वही ढांचे से बनाना है, एक अंक है, कम से कम एक करेक्ट स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और एक अक्षर होना ही चाहिए कम से कम, उस हिसाब से आप बना लीजिए, कम से कम 8 करेक्टर का तो बना ही लीजिए। फिर कन्फर्म पासवर्ड वही डाल दीजिए। फिर कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। अब हो गया आपका आईडी पासवर्ड बन गया न्यू यूजर आईडी पासवर्ड, और इसके बाद ये कहते हैं कि आप प्रोफाइल पासवर्ड अपना बना लीजिए, एक प्रोफाइल पासवर्ड जो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए भी चाहिए, हर काम के लिए प्रोफाइल पासवर्ड एक चाहिए जो, तो उसको बना लीजिए। इसके लिए आप पहले पासवर्ड एक सुन लीजिए अपना, देखिए ध्यान रखिए जो लॉगिन पासवर्ड है जो मेन पासवर्ड है उसके साथ ये मिल नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए, वही सेम। और फिर कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड डाल लीजिए, मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड सुन के डाल लिया। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप अगर ये भूल भी जाए तो रीसेट करने में इसका काम आए, तो मैं एक क्वेश्चन चूज कर लेता हूँ यहाँ से, आपका जो मनपसंद है वही चूज कर लीजिए, लिस्ट में आप पढ़ लीजिए। अब इसमें आपका मनपसंद ये डाल दीजिए जो आंसर है। मैं अपना आंसर डाल दिया हूँ। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपका जिस जगह में जन्म हुआ वो डाल दीजिए। फिर आपका कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्री
इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। फिर मोबाइल नंबर डाल लीजिए आपका, जिसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग वाला सारे चीज मैसेज में से आना चाहते हैं। फिर सबमिट में क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ पे बोल रहा है योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अपडेट टू ट्रांजेक्शन राइट फॉर अकाउंट, डू यू विश टू अवेल ट्रांजेक्शन राइट। अब ये बोल रहा है आपका प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो गया है, और अगर आपने ट्रांजेक्शन राइट्स में कुछ बदलाव चाहते हो, अपडेट चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम एक बार दिखा देते हैं कैसे बदलाव करते हैं, तो ये भी देख लीजिए। ट्रांजेक्शन राइट के बारे में इसमें बोलते हैं, तो इसलिए प्रोसीड में हम क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड में क्लिक करके आप अकाउंट नंबर जो है आपका सेविंग अकाउंट नंबर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपग्रेड एसेस लेवल तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन चाहिए तो उसमें, नहीं तो फुल ट्रांजेक्शन चाहिए तो उसमें क्लिक कर सेलेक्ट करके सबमिट में क्लिक कर लीजिए। और एक वन टाइम पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आएगा, उसको इस घर में डाल दीजिए। इसके बाद क्या है, OTP को डाल के कन्फर्म में क्लिक कर दीजिएगा। बस आपका काम यहाँ पे ख़त्म है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं योर रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन ऑफ राइट्स फॉर द अकाउंट सिलेक्टेड बाय यू हैज बीन एक्सेप्टेड, इट मे टेक 1 आवर टू एक्टिवेट द सेम इन आवर रिकॉर्ड्स। ये कह रहा है कि आपका जो ट्रांजेक्शन राइट जो बदलाव के लिए आप रिक्वेस्ट किया है वो एक्सेप्टेड हो गया, और ये एक्टिवेट होने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा। चलिए, आपका अभी इंटरनेट बैंकिंग में आपका अकाउंट खोल गया, आपका एक्टिवेशन हो गया है, आप इसी से अभी अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ATM कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं, आधार कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं, ERD रिकॉर्डिंग ये सब बना सकते हैं। तो आप कोई सुविधा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अगर इसके मामले में कुछ आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। धन्यवाद।